प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सवाल उठता है कि बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़कियां दरिंदगी का शिकार हुई, उनमें से एक की हत्या कर दी गई, लेकिन हमारे पीएम चुप रहे। पीएम मोदी की इसी चुप्पी को लेकर अब कांग्रेस ने हमला बोला है और पूछा है कि बीजेपी शासित राज्यों में हो रही रेप की घटनाओं पर पीएम मोदी मौन क्यों हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बीच अब कठुआ से सामने आई हैवानियत ने मोदी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के उन्नाव और जम्मू कश्मीर के कठुआ में दुष्कर्म की घटनाओं पर क्यों चुप है। सिब्बल ने पीएम मोदी के उपवास को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष से पहले बीजेपी शासित राज्यों में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि यहां किस तरह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है। हमारे देश के पीएम को इनके लिए बोलना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि आप दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ क्यों उपवास नहीं रखते, आप देश की जनता को यह क्यों नहीं बताते कि दुष्कर्म की घटनाओं से आपको बुरा लगा है, इसीलिए आपने उपवास रखा। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उन्नाव कांड को लेकर पीएम मोदी पर वार किया था। दिव्य लाइव की रिपोर्ट।